की नदियां बहेगी। बिल्कुल ये इन्होंने बोला है। नमस्कार, आप बिहार संवाददाता के साथ हैं और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नियोजित शिक्षकों का ये देख सकते हैं आप धरना प्रदर्शन। फॉर्म पर रखने के लिए अच्छा। इसका एक रास्ता है अच्छा। ठीक है ना, रास्ता हम लोगों ने दिया। कौन सा रास्ता लेकर आए हैं आप विद्यार्थियों के बीच? इन लोगों का जो मांग है, आप विद्यार्थी क्या कहना चाहते हैं? रास्ता पूछिए, रास्ता क्या दिए हैं इन्होंने, अपना रास्ता क्या बताया है पूछिए पहले। आप बताइए इनका कहना है कि हम लोग को इन्होंने रास्ता दिया है, क्या रास्ता दिया है पूछिए। सबसे बात हुई है अच्छा। एक मिनट, कोई नहीं कह रहा डेलीगेशन देने के लिए अच्छा। मैं डेलीगेशन के लिए तैयार था कि अब जिससे कहिए मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। आप किससे मिलना चाहते हैं? किन से इनको मिला था? शिक्षा मंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी सर से? तो क्या करें, कहाँ मिल रहे हैं लोगों से? नहीं मिल रहे हैं। डेलीगेशन वहाँ पहुँचा हुआ मिलने के लिए, देख सकते हैं। अच्छा तो ये बताइए, इस तरह से धारा 144 में इस तरह से बैठ के रोड जाम करवाना, क्या इसका आप समर्थक है? तो आप रास्ता बताइए इन लोगों को, आप रास्ता बताइए इन लोगों को। इन्होंने अब क्या, अब डेलीगेशन चला गया। कौन गया डेलीगेशन में? कौन गांधी में कौन कौन गया? उतना नाम थोड़े लिख कर रखे। आप लोग साइड हो गए सर? हाँ बताइए। ये देख सकते हैं, खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां बहेगी। बिल्कुल ये इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है। जो होगा आपके सामने होगा अच्छा। जो देखिए उधर से डंडा, देखिए डंडा चलना जो है शुरू हो गया है। ये डंडा चलना, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये डंडा चलना शुरू हुआ है। और किस तरीके से नियोजित अभ्यर्थियों पर ये जो डंडा चल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए डंडा, और ये अरेस्टिंग हो रही है, ये देखिए ऊपर से, ये अरेस्टिंग हो रही है ये महिलाओं को किस तरीके से, ये देखिए ये अरेस्टिंग हो रही है। सामने आओ, देखिए किस तरीके से महिला अभ्यर्थी खत्म हो गया। बिहार में जो डोमिसाइल नीति लागू हुआ है वो हटाया जाए।